आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले। अभी तो सूरज उगा है, आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले। अभी तो सूरज उगा है, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। विकृति ने प्रकृति को दबोचा, विकृति ने प्रकृति को दबोचा, अपनों से ध्वस्त होती आज है, अपनों से ध्वस्त होती आज है, कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है, कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है। तो ऐसे ही अभी तो मुझे पंक्ति में बहुत गहरे मायने छुपे हुए मुझे नजर आ रहे हैं और मुझे ये लग रहा है कि ये 2019 की नई सरकार का सूरज है, आपको लग रहा है? अब लोगों को अर्थ निकाल दीजिए, कभी मन होता है तो मैं आज हिमालय की गोद में होता, प्रकृति के बीच में था, तो ही कलम चल पड़ी। अब आपके यहाँ इस पर एक सम्मेलन पे कवियों को बुलाइए, वो चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से इस सवाल को अभी तो सूरज उगा है के ब्रह्म लेकर चलते को लेकर चलते हैं आगे। हमारे बीच में शेष है, वो बड़ा ही विशेष है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी एक कवि के रूप में अगर मैं उन्हें परिभाषित करूं, उनके नाम को नराणाम इंद्र यशस है, जो नरों में इंद्र है, और इंद्र है वो वीर रस का देवता है, सर्वेंद्रियाणाम प्रहर्षो वा वीर, जो समस्त इंद्रियों को पुलकित कर देता है, जिसको सुनने पर इंद्रियां पुलकित हो जाती हैं, वो वीर रस का देवता होता है। ऐसा ही लगभग एक देवता हमारे बीच में, जरा जोरदार तालियां विनीत चौहान के लिए। और तो अभी तो सूरज उगा है, क्या कहना चाहेंगे विनीत? और विनीत भाई, अभी तो सूरज उगा है के साथ साथ में एक लाइन आपको और बताना चाहूंगा, चूंकि आप वीर रस के हैं। प्रधानमंत्री ने ये बात लोकसभा के अंदर कही थी राष्ट्रपति के धन्यवाद अभिभाषण की चर्चा में, और उन्होंने कहा था अंतिम सत्र में, लोकसभा के अंतिम सत्र में उनकी लाइन थी, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया था और लाइन कही थी अपनी कविता के अंदाज में, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, वाह, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है। तो मेरे ख्याल से अगर ये दृष्टि हो आपकी और इन चीजों को आप देख रहे हो, तो किस तरह के सूरज की बात हो रही होगी इस कविता में। जरा जोरदार ताली एक बार विनीत चौहान के लिए। सूरज के बड़े पर्यायवाची हैं, भानु है, मारतंड है, अरुण है, सूर्य है, दिवाकर है। तो कविता के मारतंड और भानु तो अपनी बातें कह चुके हैं। मैं तो आज का शीर्षक हूँ कि अभी तो सूरज उगा है। मैं सबसे नया सूरज हूँ इस कविता का, इसलिए मैं तो खुद अभी तो सूरज उगा है। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, कवि मोदी जी का सवाल है, मेरा सोचना ये, आदमी चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन उसके अंदर जो कोमल व्यक्तित्व है वो कभी नहीं मरता है। बहुत पहले कभी मैंने कहा था, मत सोचो कि समंदर कभी रोता नहीं है, मत सोचो कि समंदर कभी रोता नहीं है, सच तो यह है कि वो अपनी कहानी किसी से कहता नहीं। वाह। तो कवि नरेंद्र मोदी को हम गुजराती की कविताओं के रूप में जानते रहे, जैसा संतोष झा ने बताया, हम लोगों ने अनेक बार गुजरात में उनके सामने कविताएं पढ़ी, उनका हिंदी अनुवाद हुआ और अब धीरे धीरे उनकी कविताएं हिंदी में आना शुरू हुई। हजारी प्रसाद, ये कविता उन्होंने हिंदी में ही लिखी, हिंदी में लिखी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। मैं इसे थोड़ा सा और आगे कहूँ, साहित्य समाज का दर्पण है ठीक है, लेकिन जिस साहित्यकार से वो निकल रहा है वो भी अपना उसी का दर्पण है जैसा कि वो जी रहा है। हमारे अनेक बड़े कवियों ने भी ये कहा है, आप इतर नहीं कर सकते उसकी कविता को कि प्रधानमंत्री मोदी अलग हैं और कवि नरेंद्र मोदी अलग हैं। जो उनकी कविता है अभी तो सूरज उगा है, वो लगभग वही है जो प्रश्न आपने अपने इंटरव्यू में कह दिया था कि क्या आप आने वाले समय में देखते हैं, तो उस शब्द को नकार जरूर गए वो, लेकिन ऐसा है नहीं, जो कुछ अंदर होता है वही शब्दों में बाहर भी आता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो मैं कहना चाहता हूं कि आखिर अंधियारा चीर दिया सूरज की स्वर्णिम किरणों ने। वाह, बहुत है, लोगों ने बड़े तरीके से सलीके से कहा है। मैं थोड़ा सा विधा में कह रहा हूं उसी बात को जो इन्होंने अचाते बचाते कहा है। इन्होंने उस कुनैन की
गोली को पताशे में रख दिया है, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ। आखिर अंधियारा चीर दिया सूर्य, और काशी पर भी बात हुई है तो मैंने सबको समेटा है। आखिर अंधियारा चीर दिया सूरज की स्वर्णिम किरणों ने, पर्वत का गर्व विदीर्ण किया साहस के छोटे चरणों ने, पर्वत का गर्व विदीर्ण किया साहस के छोटे चरणों ने, यूं लगा कि रघुवर प्रकट हुए काशी में अर्घ चढ़ाने को। काशी की चर्चा हुई है, यूं लगा कि रघुवर प्रकट हुए काशी में अर्घ चढ़ाने को, यूं लगा मुरारी आ पहुंचे द्रुपदा का चीर बढ़ाने को। जो घनी प्रतीक्षा बाद कोई बदली पानी बरसाती है, अब संकेत समझे मैं कहां बोल रहा हूं, जो घनी प्रतीक्षा बाद कोई बदली पानी बरसाती है, बरसों धरती जब तप करती सूरज सा बेटा पाती है, बरसों धरती जब तप करती सूरज सा बेटा पाती है। लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट, मैं नए सूरज से कह रहा हूं, लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारी झोली में, इस भारत माँ ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में, इस भारत माँ ने टांक दिए अक्षत माथे की रोली में, अब तुम पर निर्भर है इसके माथे की पीर हरो कैसे, जो वादे किए देश भर से उन सबको पूर्ण करो कैसे, गांडीव रखो या तजो शस्त्र ये सब निर्भर अब तुम पर है, पर भारत माँ की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है, पर भारत माँ की पीर हरो ये जिम्मा केवल तुम पर है। उठ कर के बाहों में भर लो, उठ कर के बाहों में भर लो, सारा आकाश तुम्हारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है, सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। तो जब बार बार वो कहते हैं कि सूरज अभी उगा है, सूरज उग चुका है, अब तो उसे अपेक्षाएं शुरू हो गई हैं उन फसलों को, उन सीमाओं को, कि ये सूरज क्या करने वाला है। आज हमारी अपेक्षाएं इस नवोदित सूरज से नहीं, अब इस परिपक्व सूरज से अपेक्षित होने लगी हैं, वो कविता के माध्यम से भी और कार्यशैली के माध्यम से भी। तो आपकी क्या आकांक्षा है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मेरा मानना है कि जो सूरज उग गया है, अब उस हमारे में से किसी वरिष्ठ कवि ने कहा था कि वो सूरज बड़ा होने जा रहा, अब क्या संतोष दा ने कहा था, तो ये सूरज अब उग चुका है तो अब क्या होना चाहिए। मैंने कहा कुछ दिन धीरज और धरो, माँ सूर्य निकलने वाला है। अभी नए सूर्य की बात कर रहा हूँ मैं, एक सूरज निकला, अब जो नया सूर्य, संतोष दा ने जो इशारा किया, कुछ दिन धीरज और धरो बस सूर्य निकलने वाला। उन्होंने एक जगह और कहा, कविता मैंने कहीं पढ़ रहा था, हम जंजीर तोड़ रहे हैं, हम तस्वीर बदल रहे हैं, हम जंजीर तोड़ रहे हैं, तो मैंने कहा कि कुछ दिन धीरज और धरो बस सूर्य, हाँ हम जंजीर बदल रहे हैं, कुछ दिन धीरज और धरो बस सूर्य निकलने वाला है, इस भारत माँ की पीड़ा का अब भाग्य बदलने वाला है। मत सोचो कि क्या होगा परिणाम युद्ध की भाषा का, अब के सपना पूरा कर दो सवा अरब की भाषा का, अब के सपना पूरा कर दो सवा अरब की भाषा का, हर आंसू का बदला लो। मैं जो कहना चाहता हूँ ये आवाम की भाषा है, हर आंसू का बदला लो, तुम रिप के घर मातम भर दो, दो के बदले सौ सिर वाली अब के तुम पूर्ण कसम कर दो, दो के बदले सौ सिर वाली अब के तुम पूर्ण कसम कर दो। और अंतिम लाइन है, अगर कसम अगर खाई है तो ये शीश नहीं झुकने देना, कसम अगर खाई है तो ये शीश नहीं झुकने देना, सत्ता तो आनी जानी है पर देश नहीं बिकने देना, सत्ता तो आनी जानी है पर देश नहीं बिकने देना, ये सूर्य ऐसा करेगा, ऐसा मेरा संकल्प है, नव सूर्य से मैं अपेक्षा है। तो बिल्कुल आपका संकल्प पूरा हो, और सभी चाहेंगे, मेरे ख्याल से सभी दर्शकों को लगता है कि संकल्प को जरूर पूरा होना चाहिए, और ये तालियां बता रही है कि इन्होंने आपकी बात का पूर्णता अनुमोदन कर दिया।